वेलकम मुकुल, कल आप नीट 24 में उपस्थित होने जा रहे हैं, तो सबसे पहले ये बताइए कि यहाँ पर आप पिछले लगभग एक साल से तैयारी कर रहे हैं, और किस तरह की आपकी तैयारी रही है, और एनकेसी का जो डेली स्केड्यूल है कि जिस तरह से टाइमिंग होती है, आप कितने बजे उठते हैं, किस तरह से आपने आप सेल्फ स्टडी के लिए टाइम बचाया, और सबसे बड़ी बात है कि टीचर्स का यहाँ अवेलेबल होना 24 आवर किस तरह से आपको मदद करता है या किस तरह से आपकी मदद करी है इस पूरे साल, इस पर बताइए। सर, जैसे कि हम खुद को जानते हैं कि हम जेएनबी से हैं, तो जेएनबी का बच्चा जुझारू होता है, तो हमें पता चला था वहीं से हमारे टीचर थे फिजिक्स सर, तो बताए थे कि एनकेसी नाम का एक जगह है जहाँ पर मतलब ऐसी व्यवस्था मिली है जैसे जेएनबी में है। तो मैं 12th पास आउट हूँ, वहाँ से जैसे ही आया तो पता चला जेएनबी नवोदया नॉलेज सिटी नाम की एक जगह है जो जेएनबी जैसा ही पूरी व्यवस्था देता है। तो हम वहीं से डिसीज़न लिया और हमें कुछ नहीं सोचा, नहीं कोटा जाने की, नहीं कोई और इंस्टीट्यूट जाने की, तो हमने बस वहीं से घर से डिसीज़न लिया और बोले माता पिता को कि हम जा रहे हैं यहाँ पे, तो उन्होंने भी हामी भर दी। तो फिर हम यहाँ पर आए तो हम जैसा सोचे थे व्यवस्था जेएनबी जैसा उसी तरह व्यवस्था यहाँ पर मिला, और इस कारण हम अपने अंदर बहुत अच्छे डेवलपमेंट किए, क्योंकि यहाँ व्यवस्था जो है एक तरह से पूरे सभी बच्चों में लड़ने की क्षमता है, सब एक दूसरे से डाउट पूछ लेते हैं, सब एक दूसरे से, और यहाँ पे एक अच्छी बात है कि यहाँ आईटी लैब है जिसके थ्रू अगर किसी को डाउट बताने में या दिक्कत हो रहा तो वो बच्चा जाकर के उसमें देख सकता है कि हाँ दिक्कत कहाँ पे हम कर रहे थे, और फिर वो जाकर हम किसी और को बता सकते थे कि हाँ यहाँ पर हमने गलती किया था, स्किप किया था। और जैसे कि बात हो, अगर टीचर यहाँ पर हर घंटे अवेलेबल होते हैं, जैसे कि हमारे मैनेजमेंट में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छे फिजिक्स जानते हैं, तो उनसे भी मतलब मैनेजमेंट भी आपका आईआईटीज़ के हाथों में ऐसा आप कह सकते हैं कि वो खुद आईआईटी से है, तो आपको सब कुछ बता, तो फिजिक्स से सब बता सकते थे। तो हम जब भी मतलब कुछ दिक्कत होता है तो उनसे बात कर लेते हैं कि यह दिक्कत हो रहा, इस तरह से वो हमारे फिजिक्स से सब दिक्कत सॉल्व कर लेते हैं। और यहाँ का टीचर का तो कहना ही नहीं, जैसे हम बोले तो प्रतीक सर एक हैं जो फिजिक्स के लाजवाब टीचर हैं, राहुल सर हैं, उनसे हम डाउट पूछते हैं जैसे लगता है कि वो हमारे हमको वो चीज़ फील करा रहे हैं, जैसे लग रहा हो कि नहीं वो हमारे अंदर पूरा चल रहा है, हमारा माइंड में वो चीज़ घूम रहा है, पूरा इमेजिन हो रहा है, वो चीज़ हो रहा है। और केमिस्ट्री टीचर भी हैं जैसे अनिल सर, मोहन भारगवा सर, वो भी बहुत लाजवाब टीचर हैं, क्योंकि वो जब हम आए थे तो उतना केमिस्ट्री अच्छी नहीं थी, लेकिन जब वो आए उनसे पढ़े तो लगा कि हम वो चीज़ फील कर रहे हैं, केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो, और बायो का तो कहना ही बात नहीं है, क्योंकि वो जो अविनाश भैया, डॉक्टर अविनाश भैया, वो बहुत अच्छे बायो के टीचर हैं, वो चीज़ों को आधा 50% तो हम पढ़ते ही नहीं, मतलब 50% उनके क्लास में ये चीज़ें सॉल्व हो जाती है, वो इस तरह से पढ़ाते हैं। तो टीचर और जो भी यहाँ का मैनेजमेंट है और जो भी व्यवस्थाएँ हैं वो बहुत अच्छी है। मतलब क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि आप यहाँ एक एवरेज स्टूडेंट के रूप में आए थे, लेकिन आज एक बहुत ही बेहतरीन, मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इन टोटैलिटी आप एक बहुत अच्छे नॉलेज के साथ कल परीक्षा में अपियर होने जा रहे हैं। सर, जैसा कि हम आए थे तो हमारा लैंग्वेज थोड़ा प्रॉब्लम था, और थोड़ा हम इंग्लिश लैंग्वेज में समय थोड़ा गड़बड़ हो जाती हैं, आज भी होती है, लेकिन यहाँ का व्यवस्था ऐसा था कि हमने एक साल इतना मेहनत की कि आज बायो में लगभग 300 से हरदम स्कोर कर पाते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में नहीं कर पाते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे हम थोड़ा टाइम देते गए खुद को, और यहाँ पर जैसा समय था हम लोगों का शेड्यूल, यहाँ पर हर समय बच्चे को देखते हैं कि आज वो सोने जा रहा है तो वो उठ के पढ़ रहा है, इस तरह से शेड्यूल, वहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन हाँ सब बच्चे यहाँ पे एक दूसरे को देख के भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि वैसा माहौल है, और वैसा माहौल में रहकर कोई भी बच्चा इधर उधर डेविएट नहीं होता। दूसरी बात है कि यहाँ मोबाइल का सुविधा भी नहीं है जिससे बच्चे इधर उधर थोड़ा सा डेविएट हो जाए इन सब चीज़ों में। मतलब मोबाइल फ्री कैंपस का होना एक अच्छी बात है, वैसा कह रहे हैं। मोबाइल फ्री कैंपस का होना अच्छी बात नहीं है? हाँ, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो कल एक मतलब 100 मूल्यांकन होता है, एक सेल्फ इवैल्यूएशन लोग करते हैं खुद का मूल्यांकन, उसके आधार पे कितने अंक आप उम्मीद करते हैं कि कल की परीक्षा में ला पाएंगे? जैसे कि हमारे टेस्ट जैसे भी गए वो बहुत ही मतलब स्टार्टिंग में तो बहुत कम आते थे स्कोर, लेकिन लास्ट तक जाते जाते अच्छा हो गया। तो इससे हमें पता चलता है कि अगर हम कितना भी कम गलती या कितना भी कुछ कर लें तो हमारा 650 से कम नहीं आना, ऐसे मेरा एफर्ट रहेगा कि हम 720। बिल्कुल, चलिए, ऑल द बेस्ट, आपको पूरी पूरी शुभकामनाएं कि आप 700 से ऊपर नंबर के साथ उत्तीर्ण करें इस परीक्षा को। धन्यवाद। थैंक यू।